1947 में जब देश का बंटवारा किया गया था नेहरू द्वारा, प्रधानमंत्री उनको बनाया, नेहरू के द्वारा नहीं किया गया, नहीं आप जब उन्होंने नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के दो टुकड़े करवा दिए, एक को इस्लामी स्टेट बना दिया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नेहरू ऐसा कर रहे थे, सावरकर वगैरह क्या कर रहे थे उस समय? चलो भैया जो नहीं कर रहे थे आप कर देंगे, कौन सी आफत आ रही है? अब हम मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का शपथ अपराध कैसे, इस टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर काफी बातचीत कर रहे थे सुरेश चव्हाण के, सुदर्शन न्यूज के संपादक हैं। आज जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन चल रहा है, हमारे साथ इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो कुछ लोग आए उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे ये हिंदू राष्ट्र के मांग की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिन्होंने यहाँ पे घास की रोटी खाई, छत्रपति शिवाजी ने लंबी लड़ी लड़ाई, रानी पद्मावती ने खुद को जलाई। अपने इतिहास के कुछ लोगों का नाम लिया महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का शपथ ग्रहण है, ये सावरकर जी का है, ये पृथ्वीराज चौहान की कल्पना है और कई विचार को है, इसलिए जरूरी है। लेकिन अशफाक उल्ला खान, इसीलिए अशफाक उल्ला खान जैसे लोग भी तो नहीं पता कौन क्या कह रहा है, हमारे लिए जो कौन क्या खा रहा नहीं, हमें जो पचेगा वही खाएंगे। हम जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इसके आधार पे तो फिर संविधान को तो दरकिनार करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको क्या पचता है आप खाइए, मेरी जो रुचि और पचना होगा वही खाऊंगी, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। संविधान का मतलब कोई वो वैल्यू नहीं, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं किसी चीज आ गया, संविधान कहाँ से आ गया? संविधान तो ये कहता है ना कि जब देश का बंटवारा हुआ मैम, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपने बात करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन हिंदू मैं ये कह रहा हूँ जब हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की आत्मा ये कहती है, संविधान जब बना, जब देश का बंटवारा हो तो यही हुआ कि एक देश बना धर्म के आधार पर और एक हमारा देश बना। देश का बंटवारा जब 1947 में जब देश का बंटवारा किया गया था नेहरू द्वारा, प्रधानमंत्री उनको बनाया, नेहरू के द्वारा नहीं किया गया, नहीं आप जब उन्होंने नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के दो टुकड़े करवा दिए, एक को इस्लामी स्टेट बना दिया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नेहरू ऐसा कर रहे थे, सावरकर वगैरह क्या कर रहे थे उस समय? चलो भैया जो नहीं कर रहे थे आप कर देंगे, कौन सी आफत आ रही है? अब हम मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बने। यही मैं कह रहा हूँ ना, संविधान पे विश्वास क्यों नहीं रहा आप लोग? क्या बिल्कुल, हम तो संविधान के तहत ही कह रहे हैं हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। फ्रेटरनिटी ब्रदरहुड जो संविधान की पूरी आत्मा है, वो आत्मा ये कहती है कि ये जो देश है भारत, ये धर्म के आधार पे नहीं बना हुआ देश है। धर्म के आधार पे तो नफरत वाला एक देश बना था, उसका आश्रम आप देख रहे हैं तो सारे को इनका, अगर नहीं बना था तो सारे मुसलमान वहाँ गए, तो कुछ को क्यों रोक दिया इसने जो नेहरू ने यहाँ पे? यहाँ पर तो चॉइस था ना जी, जिसको देश जिसको जो है सो गंगा जमुनी तहजीब में यकीन है, जो ब्रदरहुड में यकीन करता है, भारत भारत का घंटा नहीं है, कोई भी आएगा सहिष्णु बना जाएगा, कोई आएगा सेकुलर बना जाएगा, कोई आएगा कुछ बोल जाएगा, कोई टुकड़े टुकड़े कर जाएगा, भारत घंटा है क्या कोई आकर बजा जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला तो नहीं है ना जी? ये अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला नहीं है। नहीं नहीं, जो लोग गए भी वो भी तो भारत के ही थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अखंड भारत का नाम आपने भी सुना होगा, लेते भी होंगे आप लोग तो ये जो अखंड भारत है उसके तो तमाम लोग जो थे वो भारतीय थे। हाँ। तो अलग तो कोई भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने के इसको धर्मशाला क्यों कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी जो भारत में रहेगा वो हिंदू राष्ट्र में ही रहेगा। हाँ। कोई ये नहीं कह रहा है तुम अपना तो मैं वही कह रहा हूँ, जब रहेंगे तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है हिंदू राष्ट्र? भाई पाकिस्तान क्यों बना मुस्लिम कंट्री? वहाँ पर 28% हिंदू थे ना उस टाइम जब भारत बदला। पाकिस्तान क्यों बना उससे हिंदुस्तान बन जाएगा ये नहीं होता, जरूरत क्यों है? जरूरत भैया ऐसे तो पाकिस्तान में भी भुखमरी है तो हिंदुस्तान में आ जाए। पाकिस्तान बना केवल इसलिए भारत बन जाए? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। भारत पाकिस्तान बना बहुसंख्यक के नाम पर, उसने पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बना लिया। हाँ। तो भारत अगर बहुसंख्यक है हिंदू तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? भारत में रहने वाले जब ये कहा गया भारत में रहने वाले मुसलमानों ने ही पाकिस्तान बनवाया था और खुद पाकिस्तान में नहीं गए, वहाँ मरने नहीं गए, मरेंगे बनवाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश और मरेंगे यहाँ। आपको शायद डिवीजन के बारे में आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है ये बताएं। संविधान खुद ही भारत का नहीं है, कहीं कहीं से ले लिया, कहीं कहीं से ले लिया, कहीं कहीं से। संविधान भारत का डिवीजन के इस स्थिति में हम मांग करते हैं कि जो भारत के लोग हैं जो हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस प्रकार के जो तथाकथित लोग हैं वामपंथी हैं, ये फर्जी बने हुए लोग हैं, इनका इस देश से निकाल करके फिर से पाकिस्तान भेज दिया। मतलब वामपंथी को भी पाकिस्तान भेज दे? वामपंथी है कौन, चाइनीज है? वामपंथी भारत की थोड़ा ही है। अच्छा, इनकी जो विचारधारा है वो चाइनीज विचारधारा है। अच्छा, ये किसने कह दिया आप? अरे चाइनीज क्या कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की है? अच्छा नहीं, वो तो रशिया की भी है। नहीं
रशिया की भी, चाइना की है ना। चलिए चलिए, देश में जो सरकार है ये कहता है हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, तो वो हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहे हैं? अरे हिंदू हृदय सम्राट मैं बता रहा हूँ ना, आप बताइए मुस्लिम धर्म कितने साल का है? मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात मैं कर ही नहीं रहा। ये आज जो यहाँ आप सब इकट्ठे हुए हैं ना, वो हिंदू हृदय सम्राट की वजह से उड़का हुआ, नहीं तभी कांग्रेस होती ना, उठा करके अभी पुलिस से पिटवा देती, सारे लोग इधर उधर भागे हुए होते। अच्छा भागे हुए होते आप। अच्छा, आपका अगर थोड़ा सा इतिहास मालूम हो तो आप सावरकर का नाम ले रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता होते थे सावरकर, है ना? और उस हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, पता है आपको इस बात का? हाँ बिल्कुल पता है। तो वो क्या था उसके? इतने इतिहास के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब अगर फायदा दिखे तो ठीक है, फायदा ना दिखे तो। भैया सुनिए, दो चार चीजें आप समझिए, ये जितनी चीजें हो रही है ना, उस समय भाजपा थी, ठीक है, ना उस समय भाजपा थी, ना उस समय अपना जनसंघ था। जो आप कह रहे हैं सावरकर की बात, सावरकर जी तो दो बार उन्होंने आजीवन कारावास की सजा, उसको क्यों नहीं आप बता रहे भाई? ना उस समय भाजपा थी, ना उस समय अपना जनसंघ था। गुरुकुल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो रविवार के दिन इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? मुझे अंदाजा है कि इनको अंदाजा नहीं होगा, जो इन बच्चों को लेकर आए हैं बहादुरगढ़ गुरुकुल से। नहीं नहीं, बहादुरगढ़ गुरुकुल से। आप कहाँ से आए हैं? हम तो नरेला से आए हैं। नरेला, नरेला गुरुकुल से आए हैं, और कितने बच्चों को लेकर आए हैं? 40 बच्चे। 40 बच्चों को लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं बच्चों को? हमें ऐसा लग रहा है कि संविधान में जो मूलभूत अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, तो मैं मानता हूं कि किसी भी चैनल को बैन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा सुनने को मिला कि सुदर्शन न्यूज चैनल को बंद करने का यहां तो लिखा है षड्यंत्र, हमने सुना भाई, जैसा हमें मालूम हुआ कि भाई बंद किया जा रहा है, तो हमारा ये मानना है कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म प्रचार की भी स्वतंत्रता है और अपने धर्म और विश्वास को मानने की भी स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। चौहान के का जो बयान है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमने जो है वो बयान नहीं पढ़ा, हमने ना देखा वो बयान। अगर जैसे इस पे लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए ऐसा मानते हैं? क्योंकि संविधान में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मानेगा। नहीं देखिए, हम तो फिलहाल संविधान में आस्था रखते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र के ऊपर हमें यही कहना है कि भाई लोकतांत्रिक ढंग से इस प्रक्रिया को अगर इस देश के लोग चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। लेकिन जो सुरेश चौहान के जैसों का जो समूह है वो ये कहता है कि हथियार रखिए, हथियारों का जो है खुला प्रदर्शन करते हैं। इतना ज्यादा हम इस बारे में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इतना मेरा जरूर कहना है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर हमें बहुत अधिकार हैं, और उन अधिकारों का उपभोग करके हम कोई भी अपनी जायज मांग जो है मनवा सकते हैं। मतलब ये है कि जंतर मंतर पर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, पूरा बैकग्राउंड क्या है, ये इनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी 40 बच्चों के साथ यहाँ पर आ गए। यही प्रोपेगेंडा का कमाल है, यही सोशल मीडिया पर चल रही तिकड़मबाजी का कमाल है कि आप जो सोचते हैं वो अगले व्यक्ति के मन में घुसा दे, अगला व्यक्ति रिसर्च नहीं करेगा, अगला व्यक्ति समझेगा नहीं। तो ये जो सज्जन हमसे बात कर रहे थे, इनकी पूरी आस्था संविधान में है, कहते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन असंवैधानिक बयानबाजी, असंवैधानिक शपथबाजी के लिए ये 40 बच्चों के साथ जंतर मंतर पर आ गए हैं। ये प्रोपेगेंडा का कमाल है, सुरेश चौहान के जी के प्रोपेगेंडा का कमाल है।